मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है थर्सडे और अभी मुझे बैठना है अपना एडिटिंग लेकर, क्योंकि आजकल मैंने एक चेंजेस किए अपने लाइफ में, वो है एडिटिंग। आज से कभी भी, आज से नहीं मतलब दो तीन दिन से मैंने स्टार्ट किया है, रात में कभी नहीं लेके बैठूंगी, बिकॉज इट इज़ ट्रबलिंग माई स्लीप और उसकी वजह से मुझे मेरे हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि सुबह के जो दो घंटे मुझे मिलते हैं, हालांकि मिलते हैं नहीं लेकिन मैंने निकाल दिए। डन, क्लीनिंग चल रही है, मम्मी इज डूइंग द क्लीनिंग। हितम की ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और चल रहे हैं आर्ट, एंड ही इज डूइंग कॉलेज वर्क। व्हाइल ही इज डूइंग कॉलेज वर्क, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है एंड आज का वेदर, तो मैंने सोचा मेरा एडिटिंग भी कर लेती हूँ। मैं वैसे एडिटिंग मेरी किचन में चल रही थी, बट नाउ स्टडी रूम। और यहाँ का वेदर, आज का जो वेदर है वो बहुत ही लाइक रेनी काइंड ऑफ, सुबह से क्लाउडी रेनी इस तरह का चल रहा है वेदर। एंड अभी बज रहे हैं 11:30। सुबह सुबह ना स्किन केयर रूटीन करने के बाद जब आप किचन में आते हो, स्किन केयर रूटीन मेरा तभी होता है जब ब्रश में करती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता। उसके बाद कुकिंग वगैरह करनी होती है, उसके बाद फेस पर ना ऐसे लगता है कि ऑयल जम गया है, मतलब जब कुकिंग करते हैं तो फिर से जाके वॉश करना बहुत ज़रूरी है। बन रहा है पुलाव। सैटरडे हेतम की होती है स्विफ्लन क्लास, मतलब वैदिक मैथ्स क्लास होती है, तो उसके लिए वो ब्रेकफास्ट लंच जो है 1:30 नहीं करता है। वी वेट फॉर हिम, सो करते करते 2:30 हो जाते हैं। अभी बज रहे हैं 2:30 ओनली। तो न्यूट्री कुक में क्या है बताएं आपको, अगर झट से खाना बनाना है ना तो आपको पता होता है कितने मिनट में वो बनने वाला है, जैसे कि एग्जैक्टली 5 मिनट हमारा जो पुलाव है आराम से बन चुका है, जो है बनने वाला है। तो बेसिकली ये जो खाना है मेरा बन गया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट जो कि मैंने इयररिंग पहने थे, बट हुआ ये कि उसके जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो डंडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इसीलिए मैंने कल रात को निकाल दिया, बिकॉज मुझे सोने, आई कुड नॉट स्लीप ओनली विद दोज इयररिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसीलिए मैंने निकाल दिया है। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा मैं बिजी रहती हूँ ना, तो उस हिसाब में मैं, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वो। आज किचन बहुत जल्दी जल्दी क्लीन हो गया है, बर्तन सारे धुल गए, खाना बन गया है, सब्जी बन गई है, राइस को मुझे बाद में बनाना। कल एक्चुअली मैंने राइस बनाया था, एंड मुझे राइस ये ना बहुत अच्छे लगे थे। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं जब लुलू गई थी ना, लुलू शॉपिंग करने के लिए गई थी, तभी वहाँ पर एक ऑफर था बाय एनीथिंग फॉर 1, 2, 3, मतलब गारमेंट वगैरह बहुत सारे यहाँ पे ऑफर्स होते हैं वैसे, तो बाय एनीथिंग, तो हम लोगों ने बहुत सारे क्लोथ्स ऐसे लाए थे वहाँ से, जो कि लाइक होम डेली वेयर के लिए यू नो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो सारे लाए थे। तो उसका ऐसे बहुत सारा हमारा लाइक वी पेड अ लॉट ऑफ मनी, तो उसमें ऑफर था लाइक यू नो बाय एनीथिंग ऑफ 20 BD तो आपको मिलेंगे मतलब एनीथिंग यू कैन बाय ऑफ लाइक राइस, ऐसे कुछ तो ऐसे था। तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़े से उसमें राइस बैग्स थे, शुगर था और ऑयल था, इन तीनों में से आप कुछ भी बाय कर सकते हो, आपको सिर्फ 1 BD पे करना है सिंस यू हैव टेकन गारमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। तो वैसे हम लोगों ने बहुत सारे, बिकॉज वी पेड लॉट ऑफ मनी फॉर द क्लोथ्स, तो वैसे हम लोगों ने बहुत सारे राइस लाए थे, तो राइस हम लोगों को सिर्फ 1 BD पे करना पड़ा, फ्री नहीं था ये, 1 BD पे करना पड़ा बिकॉज वी हैड ऑलरेडी टेकन क्लोथ्स फ्रॉम देयर। तो अगर कपड़े लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हो बाय पेइंग जस्ट 1 BD, ऐसा कुछ ऑफर था। तो हम लोगों ने वो राइस लाया था, एंड वो राइस इतना अच्छा है ना, आई कुड नॉट बिलीव इट। तो कल मैंने राइस, घी राइस बनाया था, तो ये राइस बच गए थे,
तो मुझे याद आया कि तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। आई थिंक आई रिमेम्बर मैंने खाया था मेरी सिस्टर की वेडिंग पर। कैन यू इमेजिन, इट्स सो लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। और उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो आई एट एनी वेयर, बट मुझे वो राइस ना बहुत पसंद है। मैं बहुत छोटी थी तभी, लेकिन मुझे याद है वो कैसे मतलब दिखता है एक्चुअली। उसको बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह करके ना ऐसे यूज किया जाता है। सो बेसिकली वो राइस मुझे करना था एंड मैंने फाइनली बना दिया। मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये सारी चीज़ें बनाना, बट एक्चुअली नहीं, इट वॉज रियली वेरी ईजी। तो सुबह मैं उठी एंड मैंने सोचा कि ज़र्दा राइस बनाते हैं एंड मैंने ज़र्दा राइस बनाया एंड इट इज़ अमेजिंगली डिलीशियस। हे गुड मॉर्निंग हैना, व्हाट डू यू वॉन्ट, वॉन्ट योर चेयर। तो होता क्या है, हमारी जब मेड आती है वो सारी चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ वहाँ करके जाती है, तो इनको थोड़ा सा चीज़ें लेने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये चेयर्स वगैरह प्ले रूम में होते हैं एंड ये सारी चीज़ें शी जस्ट डंप एंड गो एंड देन मुझे करना पड़ता है सारे अरेंज। तो यहाँ पर वही चल रहा है। और मैंने पहना है आज कुर्ता, यही वाला वो कुर्ता है जो कि मैंने लुलू से लाया था। इट्स गुड टू वेयर इन द हाउस, मतलब घर में पहन सकते हैं। एंड मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे कुर्ता डाला है, लेकिन ईयर में कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ डालती हूँ, मेरे पास ऐसे कलेक्शन ऑफ ईयरिंग्स है, तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो मुझे अपने खजाने से। और वैसे हम लोग जाएंगे एक्सचेंज करने के लिए ये ईयरिंग, जो ताकि मैं नए ला सकूँ। मुझे इतने बड़े वाले ईयरिंग ना पसंद नहीं है। मेरे ईयरिंग्स का पिटारा मैं दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। मैं हार्डली यूज करती हूँ इसको। सो देर आर सम इयररिंग्स, नेकलेसेस, ब्रोच, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें। ये है हैना का, उसके मामू ने उसको गिफ्ट किया था, विच इज़ फॉर हर ईयर हैंड बर्थडे पे, या फर्स्ट बर्थडे पे। एंड ये है मेरी इयररिंग्स, हर डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स मेरे पास है, हर डिफरेंट कलर के। You want to check? She likes all of that. Earrings, ये सारी चीजें। Wow. How is it? Good. Yeah. Hannah's? No, Mama's. See all these different collections of earrings. और भी थे पता नहीं, मैंने यहाँ वहाँ फेंक दिए हैं। Because I hardly use them. Mama, maybe check. Not good? Not good, I think. Actually, not good. Yeah, it's good. It's good? I think this is good. You like that? Yeah. How about me wearing this one? I show you how it is. Oh, this is nice. I like it. Mommy, you have to wear this. बहुत ज़्यादा बड़े हैं, but अच्छे दिख रहे हैं, right? Looking nice. See, Anna, how is it looking nice? No. Oh. Yes, this is. Yes? Yeah. I'll wear this? Yeah. That's yours. You threw, see half of this you threw. Where you threw now? ये वाले earring ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसको white पर पहनना है। पहले मैं बहुत ज़्यादा white पहनती थी, अभी पहनती नहीं हूँ। Mama, see. Enjoying. Actually. ये वाले भी मेरे favorite हैं। ये वाले. I have this one. Nice. This is also beautiful. Funny दिख रहा है ना ये वाले earrings? It's looking funny. How's it looking? Funny? ये था हितम का हिंदी का assignment, wherein he have to show all the क्रियाज. A girl who is dancing, a boy who is eating. A boy who is sitting and boy who is running. Basically, मेरे को पता ही नहीं था कि he can draw so very nicely. I mean, see the amazing artwork. And bird का status है. हमारे flat की कौन सी बात खूबसूरत है पता है? The best part is every day I can just get up and I can just have an amazing view over here. पानी जो है ना इतना क्लियर रहता है ना यहाँ का, प्रॉपर ब्लू ऐसे दिखता है। आई एम श्योर मैं फनी लग रही हूँ इस इतने बड़े बड़े इयररिंग्स के साथ, बट समटाइम इट इज़ ओके टू बी फनी। दो दिन से मेरे लैपटॉप में कुछ तो प्रॉब्लम था एंड ये जो कीज़ है ना SDFG, वो वाले कीज़ मेरे नहीं चल रहे थे।
एंड मैं लिटरली दूसरा वाला कीबोर्ड जो एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है वो लेकर एडिट कर रही थी। इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। बट नाउ टुडे मॉर्निंग व्हेन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि ये वाला लैपटॉप मेरा दिस पीपल आर प्लेइंग नहीं चल रहा है एंड आई वाज ट्राइंग टू शो हिम कि ये वाला कीज भी नहीं चल रहा है, कैन यू इमेजिन, उसी टाइम पर की वगैरह सारे चलने लगे। Socks for you. Green. Okay, sit on the chair. I'll put for you. What's there in your burger? Burger you made. Wow. Beef. Ah, mommy. Mommy, I have put this in. Put it in your bowl. What song is that? I had a farmer, he had a dog. Like that? Yeah. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some? Yeah. Cow. E-I-E-I-O. And move, move here, and a move, move there. Here, move there, move everywhere. Move. Move, move. What, you finished science also? Yes. Actually, Hitam ko timetable diya gaya hai and I am telling him to study all the subject every day basically. And Hitam is giving me every time surprise, matlab ki I'm just telling him go and do geography. Within 5 minutes he's coming by and saying I am done with geography. I'm telling him to do history, he's coming and telling me I'm done with so now. Huh? I have a surprise for you. Ta-da! Oh. What's this surprise, Hanna? Blocks. Blocks! Yeah. Come on, Nana, let's take off yours now.